बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने पाठ 8 सुनहरे मोर पढ़ा। हमने पढ़ा कि राजा कृष्णदेव राय के एक दरबारी ने एक बार उनसे धन पाने की योजना बनाई। दरबारी ने एक कुशल चित्रकार से मोर पर सुनहरा रंग करवाया। चित्रकार ने मोर पर इतनी कुशलता से रंग किया कि कोई भी मोर के रंग को नकली नहीं बता सकता था। दरबारी मोर पर सुनहरा रंग करवाकर उसे राजा के सामने ले गया और कहा कि महाराज, यह जंगलों में पाया जाने वाला सबसे दुर्लभ प्रजाति का मोर है और इस मोर को पाने के लिए मैंने 30,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की हैं। महाराज, आप मेरी तरफ से मेरा यह तोहफा स्वीकार कीजिए। बच्चों, आओ अब हम आगे पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने मोर को बड़े ध्यान से देखा। वे दुविधा में थे, लेकिन मोर का रंग इतना असली लग रहा था कि उन्हें यह मानना ही पड़ा कि यह मोर वास्तव में दुर्लभ ही है। उन्होंने उस दरबारी को 30,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। तभी तेनालीराम वहां आ गए। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि मोर का रंग नकली है। उन्होंने उस चित्रकार को ढूंढ निकाला जिसने मोर को रंगा था। तेनालीराम ने उससे 4 मोरों पर वैसे ही रंग करवा लिया। अगले दिन तेनालीराम चित्रकार और 4 मोरों के साथ राजा के दरबार में पहुँचे और कहा, महाराज, कल आपने एक सुनहरे रंग का मोर लिया। आज मैं आपको उससे भी अच्छी प्रजाति के 4 मोर देता हूँ। जहाँ आपने एक मोर की कीमत 30,000 स्वर्ण मुद्राएं दी, वहीं आप मुझे 4 मोरों की कीमत मात्र 90,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। बच्चों, इसमें बताया गया है कि सुनहरे मोर को देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा सुनहरे मोर को देखकर बहुत हैरान हुए। वे दुविधा में थे। दुविधा का अर्थ होता है असमंजस। राजा असमंजस में थे, लेकिन मोर का रंग इतना असली लग रहा था कि राजा को यह मानना ही पड़ा कि यह मोर वास्तव में ही बहुत ही दुर्लभ है, कि यह मोर वास्तव में ही बहुत मुश्किल से प्राप्त होने वाला है। तब राजा ने दरबारी को 30,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। तभी वहां पर राजा के मंत्री तेनालीराम आ गए। तेनालीराम ने जब मोर को देखा तो उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह मोर का रंग नकली है। उन्होंने उस चित्रकार को ढूंढ लिया जिसने मोर पर सुनहरा रंग किया था और तेनालीराम ने उस चित्रकार से वैसे ही 4 मोरों पर सुनहरा रंग करवा लिया। अगले दिन तेनालीराम चित्रकार और उन 4 मोरों के साथ राजा के दरबार में गए और कहा कि महाराज,
कल आपने एक सुनहरे रंग के मोर के लिए 30,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, वहीं आज मैं आपको उससे भी अच्छी प्रजाति के 4 मोर देता हूँ। आप मुझे 4 मोरों की कीमत केवल 90,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। बच्चों, अब हम कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। कठिन शब्द इस प्रकार हैं, आश्चर्य, ध्यान, दुविधा, वास्तव, दुर्लभ, स्वर्ण मुद्राएं, प्रजाति, नब्बे। एक बार दोबारा देखिए बच्चों, आश्चर्य, ध्यान, दुविधा, वास्तव, दुर्लभ, स्वर्ण मुद्राएं, प्रजाति, नब्बे। बच्चों, अब हम पाठ आगे पढ़ते हैं। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, फिर भी उन्हें मानना ही पड़ा और आदेश दिया तेनाली राम को 90,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। यह सुनकर तेनाली राम ने कहा, महाराज, इन मुद्राओं का वास्तविक अधिकारी तो यह चित्रकार है जिसने इन पर रंग किया है। राजा आश्चर्य से बोले, क्या इनका रंग असली नहीं है? तेनालीराम ने कहा, नहीं महाराज, आप नज़दीक से इनकी खुशबू से पता लगा सकते हैं कि इन पर रंग किया गया है। राजा ने चित्रकार को इनाम दिया और उस लालची दरबारी से स्वर्ण मुद्राएं वापस लेकर उसे दंड दिया। बच्चों, इसमें बताया गया है कि जब राजा ने 4 सुनहरे मोर देखे तब राजा को बहुत ही हैरानी हुई, लेकिन फिर भी राजा को यह मानना ही पड़ा कि मोर सुनहरे हैं, और राजा ने आदेश दिया कि तेनालीराम को 90,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। यह सुनकर तेनालीराम ने कहा कि महाराज, इनका वास्तविक अधिकारी, इस इनाम का सच्चा अधिकारी मैं नहीं हूँ, बल्कि यह चित्रकार है जिसने इन मोरों पर रंग किया है। तब राजा ने बहुत हैरानी से कहा कि क्या इन मोरों का रंग असली नहीं है? तेनालीराम ने कहा, नहीं महाराज, आप इनके पास जाकर इनकी खुशबू से आप पता लगा सकते हैं कि इन मोरों पर रंग किया गया है। सच्चाई का पता लगाकर राजा ने चित्रकार को इनाम दिया और उस लालची दरबारी से स्वर्ण मुद्राएं वापस लेकर उसे दंड दिया। दंड का अर्थ होता है उसे सजा दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें झूठ, छल कपट जैसी बुराइयों से बचना चाहिए और बिना जांचे परखे किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बच्चों, अब हम कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण सीखते हैं। कठिन शब्द इस प्रकार हैं, आदेश, वास्तविक, अधिकारी, नज़दीक, खुशबू, इनाम, दंड। एक बार दोबारा देखिए बच्चों, आदेश, वास्तविक, अधिकारी, नज़दीक,
खुशबू, इनाम, दंड। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों को दोहराते हैं। पाठ में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: दरबारी, चित्रकार, सुनहरा, महाराज, दुर्लभ, स्वर्ण, प्रजाति, भेंट, स्वीकार, आश्चर्य, अधिकारी, इनाम, लालची, दंड, वास्तविक। बच्चों, आप भी इन शब्दों को बोलें और इनका शुद्ध उच्चारण करना सीखें। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी विषय की कक्षा में पढ़ेंगे कि कौन किसका शत्रु है। बच्चों, एक चित्र के माध्यम से हमें समझना होगा कि इस चित्र में कौन किसका शत्रु हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे लिए फसल और सब्जियां कौन उगाता है? शाबाश, किसान हमारे लिए फसल और सब्जियां उगाता है। तो बच्चों, अब देखिए इस चित्र में किसान हमारे लिए अन्न उगा रहा है। बच्चों, अब इस चित्र में देखिए एक चूहा किसान द्वारा उगाए गए अन्न को खा रहा है और उसे खराब कर रहा है। तो बच्चों, आपको इस चित्र में कौन किसका शत्रु दिख रहा है? शाबाश, चूहा किसान द्वारा उगाए गए अन्न को खराब कर देता है, इसीलिए चूहा किसान का शत्रु है। बच्चों, आइए अब इस चित्र में देखते हैं। यहाँ पर एक सांप चूहे को खा रहा है। तो बच्चों, इस चित्र के माध्यम से हमें पता लग रहा है कि सांप चूहे को खा जाता है, इसीलिए सांप चूहे का शत्रु है। बच्चों, आइए अब अगला चित्र देखते हैं। इस चित्र में मोर सांप को खा रहा है। तो यहाँ पर कौन किसका शत्रु दिख रहा है? शाबाश, यहाँ पर मोर सांप को खा रहा है, इसीलिए मोर सांप का शत्रु है। धन्यवाद बच्चों।